हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल के बारे में। दैट मीन्स पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स दैट मीन्स हम किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल इनिमीज जैसे कि प्रीडेटर माइट्स, पैरासिटॉइड वेस्प या फिर निमेटोड्स या फिर प्रीडेटर्स जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल्स या वेस्प या प्रेइंग मेंटिस या फिर मिज एट्सेट्रा, इन सब इंसेक्ट्स का, इन सब नेचुरल इनिमीज का यूज़ करके हम पेस्ट के पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कह सकते हैं। गाइस, बायोलॉजिकल कंट्रोल का अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ पेस्ट बाय मीन्स ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक पैरासिटॉइड्स, प्रीडेटर्स एंड पैथोजन दैट इज इंकरेज्ड एंड डिसमिनेटेड बाय मैन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन सच प्रोग्राम द नेचुरल इनमीज आर इंट्रोड्यूस्ड, इंकरेज्ड, मल्टीप्लाइड बाय आर्टिफिशियल मीन्स एंड डिसमिनेटेड बाय ह्यूमन विथ हीज ओन एफर्ट इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू नेचर। दैट मीन्स हम जो नेचुरल इनिमीज होते हैं इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज के, उनके जो नेचुरल इनिमीज हैं उसको आर्टिफिशियल रूप से उनका पॉपुलेशन को बढ़ा के फील्ड पे पेस्ट के खिलाफ उसका उनका पॉपुलेशन कम करने के लिए यूज करने की जो तकनीक है उसी को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। गाइस, बायोलॉजिकल कंट्रोल कुछ कारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर या फिर अदर समथिंग कुछ कुछ। तो इनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को अफेक्ट करता है उनमें से कुछ हैं क्रॉप वैल्यू। फर्स्ट है क्रॉप वैल्यू, सक्सेसफुल इन क्रॉप विथ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। दैट मीन्स क्योंकि हम जो नॉर्मल क्रॉप होता है उसमें बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं हमारे लिए महंगा पड़ता है, इसीलिए हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाले क्रॉप में ही बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है क्रॉप ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हाईली सूटेबल। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है वो इसके लिए सूटेबल होता है क्योंकि इस कंडीशन में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का जब यूज़ करते हैं तो उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। नेक्स्ट है टॉलरेंस लिमिट ऑफ क्रॉप टू इंसेक्ट इंजरी, सक्सेसफुल इन क्रॉप विथ हाई टॉलरेंस लिमिट। मतलब हाई टॉलरेंस, टॉलरेंस लिमिट अगर हाई है क्रॉप का तो वहाँ पे इसका यूज़ अधिक अच्छे से कर सकते हैं। इंडिजीनियस और एक्जोटिक पेस्ट, इम्पोर्टेड नेचुरल इनिमी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट। दैट मीन्स जो इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट हैं उसके खिलाफ नेचुरल इनमी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफ़ अल्टरनेट होस्ट अवेलेबल फॉर नेचुरल इनमी, कंट्रोल ऑफ टारगेट पेस्ट इज लेस। दैट मीन्स हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हम नेचुरल एनिमी या फिर बायो एजेंट हम छोड़ रहे हैं उनका अल्टरनेट होस्ट उस फील्ड पे ना हो, ताकि हमारा जो टारगेटेड पेस्ट है उसी पे हमारे द्वारा छोड़ा गया जो नेचुरल एनिमी है वो सर्वाइव कर सके। इफ अनफेवरेबल सीजन अकर्स, रीइंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनिमी इज रिक्वायर्ड। देन प्रेजेंस ऑफ हाइपर पैरासाइट्स रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ बायो कंट्रोल। हाइपर पैरासाइट अगर है उस कंडीशन में भी बायो कंट्रोल एजेंट के इफेक्टिवनेस को कम हो जाता है अपना। हाइपर पैरासाइट दैट मीन्स वो पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट को पैरासिटाइज करता है। दैट मीन्स एक ऐसा पैरासाइट जो किसी दूसरे पैरासाइट को ही पैरासिटाइज कर दे उसको हाइपर पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स, दैट मीन्स इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो सभी स्पीसीज के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, जो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे जो लिए जो टारगेटेड पेस्ट हैं उन्हीं पे इफेक्टिव हो और जो नेचुरल इनिमी है उन पे किसी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट ना डाले। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स अफेक्ट नेचुरल इनिमीज, हमने पहले अभी बताया कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है नेचुरल इनिमीज के पॉपुलेशन को कम कर देता है। देन आइडेंटिकल सिचुएशंस ऑफ
सक्सेसफुल कंट्रोल डज नॉट ऑकर। हम कह सकते हैं कि नेचुरल इनिमीज या फिर बायो कंट्रोल एजेंट के द्वारा सक्सेसफुल कंट्रोल का आइडेंटिकल सिचुएशन होना आइडेंटिकल सिचुएशन जल्दी से क्रिएट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव नेचुरल इनिमी, इफेक्टिव नेचुरल इनिमी या जिसको हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अडोप्टेबल टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, दैट मीन्स हम जो नेचुरल एनिमी यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में अडोप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है होस्ट स्पेसिफिक, वो होस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसका होस्ट रेंज स्पेसिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई फास्टर देन द होस्ट, जो हम नेचुरल एनिमी यूज़ करते हैं उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो होस्ट से ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई कर सके, उनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होनी चाहिए, और उनकी जो सर्चिंग कैपेसिटी है वो भी हाई होनी चाहिए ताकि अपने होस्ट को जल्दी से जल्दी वो सर्च कर सके। और डिस्पर्सल कैपेसिटी, दैट मीन्स उनके डिस्पर्सल की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी भी हाई होनी चाहिए। और फर्स्ट सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्री फ्रॉम हाइपर पैरासाइट्स, हाइपर पैरासाइट्स से फ्री होने चाहिए। गाइस अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ बायो कंट्रोल के, बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल के कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। गाइस बायो कंट्रोल जो प्रैक्टिस है उसमें तीन प्रकार के टेक्निक्स का हम उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेशन, इम्पोर्टेशन या फिर इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इम्पोर्टेशन को ही हम क्लासिकल बायो कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेशन में किसी नेचुरल एनिमी का ऐसे जगह पे हम इंट्रोडक्शन करते हैं जहाँ वो पहले से ना हो, या वो जगह उनके लिए उनका ओरिजिनेशन वहाँ ना हो, उनका नेटिव प्लेस ना हो। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन दैट मीन्स किसी नेचुरल एनिमी को किसी बायो कंट्रोल एजेंट का मल्टीप्लीकेशन, बार बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देन थर्ड है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन दैट मीन्स पहले से प्रेजेंट जो नेचुरल इनिमीज होते हैं उनका कंजर्वेशन करते हैं, उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम उपाय करते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो और नेचुरली वो कंट्रोल कर सके। कंजर्वेशन में हम अनेक प्रकार के जो टेक्निक्स है और ऐसे शस्य क्रिया को अपनाते हैं, ऐसे टिलेज प्रैक्टिस अपनाते हैं, या फिर ऐसे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस अपनाते हैं जिससे कि उनको नुकसान ना हो, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करना या समर प्लोइंग का कम करना एट्सेट्रा, ये सारे टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन और क्लासिकल बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में, या फिर इसी को इम्पोर्टेशन भी कहा जाता है, इम्पोर्टेशन, इंट्रोडक्शन या क्लासिकल बायो कंट्रोल के बारे में। इट इज़ अ डिलिबरेट इंट्रोडक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल इनिमीज टू अ न्यू लोकेलिटी वेयर दे डिड नॉट ऑकर, दैट मीन्स हम नेचुरल इनिमी को ऐसे नए लोकेलिटी में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ वो पहले से उपस्थित ना हो या वो उसका ओरिजिनेशन प्लेस ना हो। व्हेन नेचुरल एनिमीज आर सक्सेसफुली स्टेबलाइज इट यूजुअली कंटिन्यूज टू कंट्रोल द पेस्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम नए जगह पे किसी अन्य प्रकार के जो नेचुरल एनिमी हैं उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेसफुल इन वेस्ट वॉज वेस्ट अफ्रीका, दैट्स वेस्ट अफ्रीका, सॉरी गाइस सॉरी फॉर द मिस्टेक, वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेसफुल इन वेस्ट वॉज इन कंट्रोलिंग एसेरिया परचुलिस, परचेसी कॉटनी, कॉटनी कुशन स्केल, कुशन स्केल ऑफ कॉटन जो है ऑस्ट्रेलिया में इसको प्रीडेटरी इंसेक्ट विदालिया बीटल से कंट्रोल किया जा चुका है आज से पहले। उसके अलावा यूरोप में यूरोपियन कॉर्न बोरर के कंट्रोल के लिए ट्राइकोग्रामा का सक्सेसफुल यूज़ किया जा चुका है। गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑगमेंटेशन की, ऑगमेंटेशन होता क्या चीज़ है।
गाइस इट इज़ अ रेयरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ नेचुरल एनिमी टू सप्लीमेंट द नंबर्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग नेचुरल नेचुरल एनिमीज. देर आर टू अप्रोचेज टू ऑगमेंटेशन. दैट मीन्स हम जो पहले से नेचुरल एनिमीज अगर किसी क्षेत्र में किसी एरिया में पहले से जो नेचुरल एनिमीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल रूप से नेचुरल एनिमीज की जनसंख्या को बढ़ा के दैट मीन्स उनको आर्टिफिशियल रूप से मल्टीप्लाई करके उनकी उनका मास मल्टीप्लिकेशन करके उनको फील्ड में छोड़ते हैं ताकि जो पहले से उपस्थित नेचुरल एनिमीज हैं उनका उनके साथ में उनका सहायक हो सकें. तो ये जो है उसी को ऑगमेंटेशन कहता है. ऑगमेंटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, इनकुलेटिव रिलीज या फिर इनंडेटिव रिलीज. इनकुलेटिव रिलीज में गाइस स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल एजेंट आर रिलीज एट इंटरवल्स टू अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस इन ए होप ऑफ सेटिंग अप लॉन्गर टर्म. दैट मीन्स हम इसमें किसी नेचुरल एनिमीज़ को कम संख्या में बार बार छोड़ते हैं एक पार्टिकुलर सीजन के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन पे, जिससे कि उनको उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नेचुरली संख्या बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए टाइम मिल जाता है. इस कंडीशन में ये जो इंसेक्ट्स हैं नेचुरली अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं. इसके लिए हम ऐसे नेचुरल एनिमीज का यूज़ करते हैं जिनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है इनंडेटिव रिलीज. इस कंडीशन में हम एक बार में किसी नेचुरल एनिमीज के दैट मीन्स किसी बायो कंट्रोल एजेंट की को बहुत ज़्यादा मात्रा में मासिव रिलीज करते हैं. बहुत ज़्यादा मास में हम उनको रिलीज करते हैं जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा. ट्राइकोग्रामा को किसी फील्ड में जब रिलीज करते हैं तो उनका लगभग 50,000 से 2,00,000 तक पर हेक्टेयर की दर से हम उसको रिलीज करते हैं. नेक्स्ट है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन में हम ऐसे प्रैक्टिस अपनाते हैं जिससे कि पहले से जो प्रेजेंट नेचुरल एनिमीज है उनकी जनसंख्या पे किसी प्रकार की नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उनको हार्म ना पहुँचे. कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अवॉइडेंस ऑफ मेजर्स दैट डिस्ट्रॉय नेचुरल एनिमीज एंड द यूज ऑफ मेजर्स दैट इंक्रीज देयर लॉन्गेविटी. दैट मीन्स हम किसी इंसेक्ट्स को किसी पेस्ट पॉपुलेशन के जो नेचुरल एनिमीज पहले से जो इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं नेचुरली. हम इसमें किसी प्रकार के आर्टिफिशियल रूप से नेचुरल एनिमीज को रिलीज नहीं करते हैं. इसके इसमें कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपनाए जाते हैं वो हैं मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी. इसके लिए अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिटी या फिर वेजिटेशन डाइवर्सिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट है प्रोडक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स. इसके लिए फील्ड में कम से कम मिनिमम पेस्टिसाइड्स केमिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं. नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं या फिर किस किस इंसेक्ट्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं या फिर बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. तो बायो कंट्रोल एजेंट चार टाइप के हो सकते हैं, चार जिसमें से फर्स्ट है प्रीडेटर, सेकंड है पैरासाइट्स या पैरासिटॉइड्स, थर्ड वन इज पैथोजेंस एंड फोर्थ वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. गाइस फर्स्ट सबसे पहले जो प्रीडेटर्स के बारे में बात कर लें तो प्रीडेटर्स जो होता है जस्ट लाइक लेडी बर्ड्स, बीटल्स, स्पाइडर्स या प्रेइंग मेंटिस एट्सेट्रा, ये अन्य कीटों को अदर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके होस्ट होते हैं उनको प्रे करके उनको पकड़ के मार के खा जाते हैं. देन नेक्स्ट है पैरासिटॉइड्स. पैरासिटॉइड्स होते हैं या पैरासाइट. पैरासाइट जो होते हैं अपने होस्ट के ऊपर अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं और जो पैरासिटॉइड होते हैं अपने लाइफ का एक हिस्सा या फिर अपने लाइफ का कुछ पार्ट जो है अपने होस्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ पैथोजन. पैथोजन जो होते हैं अपने होस्ट को बीमार करने का काम करते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई. गाइस पैथोजेंस ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही पैथोजन का काम करते हैं. हम सबसे पहले डिटेल में बात कर लेते हैं प्रीडेटर्स और प्रीडेटिज्म के बारे में. प्रीडेटर्स दैट मीन्स वो जीव जो कि अन्य जीवों को पकड़ के कैच कर उनका प्रे करके उनको खाते हैं. अ प्रीडेटर इज़ वन विच कैचेस एंड डिवोर्स स्मॉलर और
मोर हेल्पलेस क्रिएचर्स बाय किलिंग देम एंड गेटिंग मील। दैट मीन्स जो प्रेडेटर होते हैं वो अपने से कमज़ोर जीवों को मार के उनको खाते हैं, भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। इट इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ, नॉर्मली लार्जर देन प्रे एंड रिक्वायर्स मोर देन वन प्रे टू डेवलप। दैट मीन्स ये जो प्रेडेटर होते हैं ये अपने प्रे से बड़े होते हैं आकार में अक्सर, और ये अपने पूरे जीवन, अपने पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक जीवों पे आश्रित होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेडी बर्ड बीटल जो है ये एक प्रेडेटर इंसेक्ट हैं जो कि मेनली स्केल इंसेक्ट्स या एफिड्स या जेसिड्स या थ्रिप्स इन पे फीड करते हैं। इंसेक्ट्स प्रेडेटर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऐसे प्रेडेटर जिसको हम अगर बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो प्रेडेटर्स जनरली फीड ऑन मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्रे, दस बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ पॉलीफेगस नेचर। जो प्रेडेटर होते हैं बहुत सारे स्पीसीज प्रे करते हैं, बट हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेडेटर हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही प्रे करें, हमारे लिए जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको ही उमारें। नेक्स्ट है, अ प्रेडेटर इज़ रिलेटिवली लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स प्रे विच इट्स साइजेस एंड डिवर्स क्विकली। प्रेडेटर किल एंड कंज्यूम देयर प्रे क्विकली यूजुअली वी एक्सट्रैक्ट ओरल डाइजेशन। दैट मीन्स जो प्रेडेटर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने प्रे को जल्दी मारे और उनका दैट मीन्स उनका प्रेइंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम समय में अधिक कीट को मारने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा उनमें सर्चेबिलिटी भी अधिक होनी चाहिए और उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रेडेटर होते हैं उनके जो अल्टरनेट होस्ट हैं वो कम से कम हों। गाइस अब हम बात करते हैं प्रेडेटिज्म के। प्रेडेटिज्म दैट मीन्स परभक्षिता। परभक्षिता क्या होता है? दैट मीन्स ये परभक्षिता प्रेडेटिज्म एक फिनोमिनन है जो प्रेडेटर अपने प्रे को जो मारता है उसको, इस फिनोमिनन को ही हम प्रेडेटिज्म कहते हैं। प्रेडेटर के द्वारा अपने प्रे को मारने का जो फिनोमिनन है इसी को हम प्रेडेटिज्म कहते हैं। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ यूजफुलनेस टू मैन प्रेडेटर कैन बी क्लासिफाई एज ऑन इंटायरली प्रेडेटरी। हम मनुष्यों के लिए उनका जो यूजफुलनेस है उसके आधार पे कुछ कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कि इंटायरली प्रेडेटर दैट मीन्स ऐसे इंसेक्ट जो कि पूरी तरह से प्रेडेटर होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कहें जी फुल बेनिफिशियल हैं, जो कि किसी प्रकार से हमको हार्म नहीं पहुंचाते। जस्ट लाइक लेस विंग टाइगर बीटल या लेडी बर्ड बीटल। गाइस ये सारे इंसेक्ट्स हैं जो होते हैं ये पूरी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये इंटायरली प्रेडेटर होते हैं, प्रेडेटर नेचर के होते हैं। सेकेंड है मेनली प्रेडेटर बट ओकेजनली हार्मफुल। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो मेनली प्रेडेटर होते हैं, जो हमारे लिए मेनली बेनिफिशियल होते हैं, बट समटाइम्स दे मे बी हार्मफुल फॉर अस, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स ऑफ ओडोनाटा ऑर्डर के इंसेक्ट्स, जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई और डैम्सल फ्लाई एट्सेट्रा एंड मैंटिस। दे मैंटिस होते हैं कभी कभी हनी बी पे या फिर सिल्क मोथ पे अटैक कर देते हैं। गाइस इस कंडीशन में हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट मेनली प्रेडेटर होते हैं, मेनली हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट है मेनली हार्मफुल बट पार्शियली प्रेडेटरी। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो मेनली हार्मफुल होते हैं बट कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, जस्ट लाइक कॉकरोच जो होते हैं फीड्स ऑन टर्माइट्स और उनके एग्स पे कॉकरोच फीड करते हैं, बट वो हमारे लिए नुकसान तब पहुंचाते हैं जब फील्ड में पहुंच जाते हैं और फील्ड में जड़ को खोद के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है
एडल्ट ब्लिस्टर बीटल जो हैं वो फ्लावर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, बट उनका जो ग्रब है वो ग्रास हॉपर के एग्स, क्योंकि ब्लिस्टर बीटल जो है अपने अंडे मिट्टी में देते हैं, तो इस कंडीशन में ग्रास हॉपर के एग्स पे फीड करते हैं ब्लिस्टर बीटल के लार्वे, उनके ग्रब। नेक्स्ट है मेनली स्कैवेंजिंग बट पार्शली प्रीडेटर्स, कुछ इस इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं बट वो कभी कभी प्रीडेटर बन जाते हैं, जस्ट लाइक ईयर विक्स। ईयर विक्स फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बट ऑल्सो फीड ऑन फ्लाई मैगर्स। देन नेक्स्ट है वेरिएबल फीडिंग हैबिट्स ऑफ प्रीडेटर, कुछ प्रीडेटर्स हैं जिनका फीडिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक कुछ कार्निवोरस होते हैं या कुछ ओमनिवोरस होते हैं। नेक्स्ट है स्टिंगिंग प्रीडेटर्स जो कि अपने सबसे पहले अपने जो होस्ट होता है उनका जो प्रे होता है उसको डायरेक्ट मारने के बजाय उनको स्टिंग के द्वारा डंक मार के उन्हें पैरालाइज करते हैं, उसके पश्चात उनको खाना स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक स्पाइडर वेस्प या वेस्प। गाइस नेक्स्ट है पैरासाइट एंड पैरासाइटिज्म, पैरासाइट होता क्या है, मैंने भी प्रेडेटर के बारे में बताया, प्रेडेटर ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने होस्ट से बड़े होते हैं और उनको मार के डायरेक्टली खा जाते हैं। बट नेक्स्ट है पैरासाइट, पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने होस्ट से आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, ये जो जीव होते हैं पैरासाइट ये अपना पूरा लाइफ होस्ट के ऊपर स्पेंड करते हैं। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूजुअली मच स्मॉलर देन इट्स होस्ट एंड अ सिंगल इंडिविजुअल यूजुअली डजंट किल द होस्ट, एक सिंगल पैरासाइट कभी होस्ट को नहीं मार सकता। पैरासाइट में कंप्लीट देयर इंटायर लाइफ साइकिल और में इन्वॉल्व सेवरल होस्ट स्पीसीज, और पैरासाइट इज वन विच अटैच इटसेल्फ टू द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, जो पैरासाइट होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म होता क्या चीज़ है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ ऑब्टेनिंग नॉरिशमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट टू विच अ पैरासाइट इज अटैच्ड, दैट मीन्स फिनोमिनन पैरासाइट के द्वारा किसी होस्ट को पैरासिटाइज करने का जो फिनोमिनन है उसी को पैरासिटाइज्म कहा जाता है, पैरासाइटिज्म कहा जाता है। और नेक्स्ट है पैरासिटॉइड, पैरासाइट के अलावा एक और टर्म है पैरासिटॉइड, पैरासिटॉइड और पैरासाइट में माइनर डिफरेंस होता है, पैरासाइट जो होता है अपना इंटायर लाइफ होस्ट के ऊपर स्पेंड करता है, बट पैरासिटॉइड जो होते हैं अपना पूरा इंटायर लाइफ होस्ट पे स्पेंड नहीं करता, बल्कि वो जो है पैरासिटॉइड अपने लाइफ का एक स्टेज होस्ट पे स्पेंड करता है, जस्ट लाइक वेस्प। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स की, पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन कितने टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ द साइट ऑफ पैरासिटाइजेशन, दैट मीन्स पैरासाइट के उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट है एक्टो पैरासाइट एंड सेकेंड वन इज एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट दैट मीन्स ऐसे पैरासाइट जो कि किसी भी होस्ट को किसी के होस्ट के बाहर रहता है, दैट मीन्स उसको बाहर से पैरासिटाइज करता है, जस्ट लाइक हेड लाउस, जैसे हमारे सिर पे जो जुएं होते हैं वो एक प्रकार का एक्टो पैरासाइट होता है। तो इस प्रकार से जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के बाहर रहते हैं। दूसरा है एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट जो होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल होस्ट के शरीर के अंदर स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स वो अपना इंटायर लाइफ साइकिल होस्ट के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द होस्ट, दैट मीन्स होस्ट के स्टेज के अकॉर्डिंग पैरासाइट का क्लासिफिकेशन, जैसे कि एग पैरासाइट, लार्वल पैरासाइट, मिड लार्वल पैरासाइट या प्री प्यूपल पैरासाइट या एडल्ट पैरासाइट।
तो ये जो सारे जो पैरासाइट होते हैं, जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर्स जो है उसका उसके एग्जांपल के रूप में, उसके जो सारे कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के जो सारे स्टेज के अलग अलग पैरासाइट हैं उनके नाम हैं। जैसे कि एग पैरासाइट में हम ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं, अर्ली लार्वल पैरासाइट में एपेंटेल्स का यूज़ कर सकते हैं, मिड लार्वा पैरासाइट में ब्रेकोन हेप्टर का यूज़ कर सकते हैं, प्री प्यूपल में गोनिजेस का यूज़ कर सकते हैं। देन इस प्रकार से और जो अलग अलग स्टेज हैं उसमें अलग अलग पैरासाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपन द ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अटैक के अकॉर्डिंग हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ट्रांजिटरी पैरासाइट, इट इज़ नॉट अ परमानेंट बट ट्रांजिटरी पैरासाइट विच स्पेंड्स अ फ्यू स्टेज ऑफ इट्स लाइफ इन वन होस्ट एंड अदर स्टेज ऑन सम अदर स्पीसीज ऑफ होस्ट, जस्ट लाइक ब्रैकोनिड्स। एंड ब्रैकोनिड्स जो है एक प्रकार का पैरासिटॉइड है जो कि अपना इंटायर लाइफ एक होस्ट के ऊपर नहीं बिताता, बल्कि लाइफ का एक स्टेज होस्ट के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट दैट मीन्स ऐसे पैरासाइट जो कि इंटायर लाइफ अपने होस्ट के ऊपर ही स्पेंड करता है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपन द डिग्री ऑफ पैरासिटाइजेशन। पैरासिटाइजेशन की डिग्री के आधार पे फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट एंड सेकेंड वन इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसी प्रकार से फूड हैबिट के आधार पे पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस एंड मोनोफेगस। पॉलीफेगस ऐसे पैरासाइट जिनके होस्ट रेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, ओलिगोफेगस ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका होस्ट रेंज एक दो या दो से दो या फिर एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीवों पे जो अटैक करते हैं उनको ओलिगोफेगस कहा जाता है, और मोनोफेगस जो हैं वो किसी स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक ही स्पीसीज पे ही अटैक करते हैं। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के टाइप्स, फर्स्ट है सिंपल पैरासाइटिज्म। सिंपल पैरासाइटिज्म दैट मीन्स एनी ऑफ द पैरासाइट विच पैरासिटाइज एनी वन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल पैरासिटाइज पैरासिटिज्म। इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एग लैड इन पैरासिटॉइड अटैक द होस्ट ओनली वंस, दैट मीन्स ये जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर एक ही अंडे देते हैं, एक ही अंडे देते हैं उनको सिंपल पैरासिटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है सुपर पैरासाइटिज्म। सुपर पैरासाइटिज्म में कोई एक होस्ट पे, किसी एक होस्ट पे एक ही स्पीसीज के एक से अधिक पैरासाइट अटैक करते हैं। अगर एक ही स्पीसीज के दो या दो से अधिक पैरासाइट एक ही होस्ट पे अटैक करते हैं तो उनको सुपर पैरासाइटिज्म कहा जाता है इस कंडीशन को। देन नेक्स्ट है मल्टीपल पैरासाइटिज्म। मल्टीपल पैरासाइटिज्म में एक ही होस्ट पे दो या दो से अधिक स्पीसीज के पैरासाइट एक साथ अटैक करते हैं, इस कंडीशन को मल्टीपल पैरासाइटिज्म कहा जाता है। देन लास्ट वन इज हाइपर पैरासाइटिज्म। हाइपर पैरासाइटिज्म उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई एक पैरासाइट किसी दूसरे पैरासाइट को पैरासिटाइज करता है, जब एक पैरासाइट किसी दूसरे पैरासाइट को पैरासिटाइज करता है तो उस कंडीशन को हाइपर पैरासाइटिज्म कहा जाता है। इसी प्रकार से इनके आधार पे पैरासाइटिज्म के आधार पे पैरासाइट को चार क्लास में डिवाइड किया गया, चार क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी पैरासाइट। प्राइमरी पैरासाइट दैट मीन्स अ पैरासाइट अटैकिंग एन इंसेक्ट विच इट सेल्फ इज नॉट अ पैरासाइट, दैट मीन्स प्राइमरी पैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो एक होस्ट पे अटैक करता है। देन सेकेंड है सेकेंडरी पैरासाइट। सेकेंडरी पैरासाइट वो पैरासाइट होता है वो जो कि एक पैरासाइट पे जो पहले से पैरासाइट ना हो, जो पहले से पैरासिटाइज ना हो, उस पैरासाइट पे जो पैरासाइट पैरासिटाइज करता है उसको सेकेंडरी पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है टर्टरी पैरासाइट। टर्टरी पैरासाइट जो है एक हाइपर पैरासाइट है जो कि सेकेंडरी पैरासाइट को पैरासिटाइज करता है। देन क्वार्टरनरी पैरासाइट इज अ पैरासाइट विच कैन पैरासिटाइज टर्टरी पैरासाइट। दस वी कैन से दैट अ प्राइमरी पैरासिटॉइड बिकम हार्मफुल इन केस ऑफ प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स लाइक सिल्क वॉर्म,
बॉम्बिक्स मोरी एंड एंड लैक इंसेक्ट कैरियर लेका। गाइस हम किसी भी कंडीशन में ये नहीं कह सकते किसी इंसेक्ट या किसी पेस्ट के बारे में कि वो हमारे लिए कम्प्लीटली हार्मफुल है या कम्प्लीटली बेनिफिशियल है, बिकॉज कोई पैरासाइट अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो किसी कंडीशन में हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।